ओके ये क्या था, ये क्या, ये घटिया बाबा है, ब्लैक शिप सुना दी है सबको आपने। बाबा ब्लैक शिप के साथ आपने वो एबीसीडी सुना दी, एलो मेलो। एबीसीडी आती नहीं मैडम, हमें पढ़ाती नहीं। चाय ले लो, पत्ती ले लो, मैडम जी की पत्ती ले लो। ये भाई मैडम ने तुम्हारी सुन लिया ना, तो वो तुम्हें पप्पी के साथ बड़ा कुछ देने वाली है कल। तुम जरा तैयारी से, कुछ ज्यादा नहीं इश्क मशूकियाँ चढ़ रही तुम्हें अभी। ये तुम्हारी कोई उम्र है इश्क मशूकियों की यार, तुम ज्यादा ही फ्री हो रही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आप सब कैसे होंगे, आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की सारी रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो लेट्स गो, आज का दिन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आपको ऐसा ऐसा दिखाते हैं कि आज सारा दिन क्या करेंगे हम। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा, और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन व्लॉग्स की मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियोज़ ऐसे इन्जॉय करते रहें। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करने लगे हैं, तो इसमें पराठा है और दाल है हमारी, और ये हमारी चाय है। तो अभी स्टार्ट करते हैं और फिर आपको बाद में मिलते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट थोड़े से बर्तन थे मैंने वो वॉश कर लिया, और अब हम खा रहे हैं एप्पल। तो बेबो एप्पल खाएगा, यू वांट एप्पल, व्हाई, क्या उतारूं इसका, हां ऊंचा बोलो, क्या उतारूं इसका, इसका क्या उतारूं, छिकला उतारूं। तो बेबो को मैं इसका छिकला उतार के देती हूँ, तब तक आप वेट करना। कौन सा वाला, रेन रेन गो अवे, ओके लेट्स गो स्टार्ट। इधर देखो ना, स्टार्ट करो। Little's Baba wants to play. है? ये आप कहाँ चले गए हो? चलो ना, सब वेट कर रहे हैं ना। बस खत्म हो गई आपकी पोइम, आपकी पोइम खत्म हो गई। जहाँ पे छिलका नहीं है ना, वहां से आप खा लो, बाइट करो, आप यहाँ से बाइट करो। वाओ, आपको एप्पल अच्छे लगते हैं? नहीं, आपको तो एप्पल अच्छा लगता है, मुझे लगता है आपको ये छिलका नहीं अच्छा लगता है ना। हाँ बेबो, छिलका नहीं अच्छा लगता, नहीं। क्या नहीं अच्छा लगता, इधर तो आओ, छिलका अच्छा नहीं लगता। आपने क्या सुनाने, तो पहले एप्पल तो फिनिश करो ना, ऐसे कैसे सुनाओगी आप। चलो सुनाओ फिर, चलो बाबा ब्लैक शिप सुना दोगी ऐसे, चलो स्टार्ट करो फिर। बब्बा भी तो इधर करो ना, चलो बेबो आई एम वेटिंग। ओके ओके, ये क्या था, ये क्या, ये घटिया बाबा है, ब्लैक शिप सुना दी है सबको आपने। बाबा ब्लैक शिप के साथ आपने वो एबीसीडी सुना दी, एलो मेलो लू, एलो मेलो लू, ऐसे सुनाते हैं बाबा ब्लैक शिप। चलो आप पहले एबीसी सुनाओ जरा, एलो मेलो मू। अच्छा ये तो लो, उठो उठो, ये कहो, हाँ यहाँ पे नहीं है छिलका। पहले वो एप्पल करे, वो आप बाबा ब्लैक शिप सुना रही है सबको, वो कह रही है मेरे को और मेरी वीडियो बनाओ। लड़की की पोइम अब खत्म हो गई थी और अब ये गेम खेलना शुरू हो गई थी। पोइम सुनाओ भाई, क्या हो गया बेबो, आज बस इतनी पोइम सुनानी है, क्या और सुनानी है? नहीं सुनानी और, अब मैं आपकी पोइम नहीं सुनूंगी, अब मैं काका की पोइम सुनूंगी। चलो काका कोई अच्छी सी पोइम सुनाओ, पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दो, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तो वन बी हो, चलो आप कोई पोइम सुनाओ कोई अच्छी सी। Always be honest, be kind and fair. Always be good and willing to share. खत्म हो गई? अच्छा तुम सुना, कोई भी पुरानी है अच्छी, कोई भी। तुम अभी सिक्स क्लास में गई हो ना, है ना, तो कोई फाइव की सुना दो जो अच्छी पक्की पक्की याद है। पोइम तो नहीं होती, लेकिन संध्या की पोइम्स होती है जो मेरे को याद है। अच्छा कोई शेर सुना दो, जो आजकल तुम बड़े शेर और शायरी करती हो, किसी और का ही सुना दो, चोरी करके ही सुनाओगी मुझे पता है। मैं सुना, जाओ दरवाजा खोलो, शायद अंकल है। ABCD जाओ, नहीं मैडम हमें
पढ़ाती नहीं, ABCD आती नहीं मैडम, हमें पढ़ाती नहीं, चाय ले लो पत्ती ले लो मैडम जी की पत्ती ले लो। ये भाई मैडम ने तुम्हारी सुन लिया ना, तो वो तुम्हें पप्पी के साथ बड़ा कुछ देने वाली है, कल तुम जरा तैयारी से जाना ठीक है। वो तुम्हें पप्पी भी देगी, वो तुम्हें सब कुछ देगी और साथ में बहुत अच्छी अच्छी तुम्हें सलाह भी देगी और चाहे डंडे जूते पड़े सारी कर दे तुम्हारी। तो आप देख सकते हो विशाल भी ड्यूटी से अभी आया है, तो चले विशाल अंदर आता है तो फिर बात करते हैं। और ये देखो बेबो जिद से लेट गई है, नीचे बैठ गई है कि मुझे गोदी उठाओ। ये आजकल ना सबको ही बड़े नखरे दिखाती है, तो विशाल अभी हैंड वॉश करेगा फिर इसको पकड़ेगा। और ये वहीं बैठ गई थी कि मुझे पकड़ो जल्दी से। हाँ जी सुना दो, शायरियाँ सुनानी है। खुद को इतना भी मत बचाया करो, खुद को इतना भी मत बचाया करो, बारिश में भीग जाया करो, खुद को इतना भी मत बचाया करो, बारिश में भीग जाया करो, धूप मायूस लौट जाती है छत पे कपड़े सुखाने आया करो, धूप मायूस लौट जाती है छत पे कपड़े सुखाने आया करो, कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ को मिलाया करो। कुछ ज्यादा नहीं इश्क मशूकियाँ चढ़ रही तुम्हें अभी, ये तुम्हारी कोई उम्र है इश्क मशूकियों की यार, तुम ज्यादा ही फ्री हो रही हो इश्क मशूकियों पे चढ़ी हो। बे गागा जी शायरी का आंसर सुना, गागा जी तो यही शायरी आती है। आ जाओ अब आपकी टर्न है, कोई अच्छी सी पोइम सुनाएगी मेरी बच्ची, चलो आ जाओ जल्दी से आओ। हाँ ये सुना दो पीर के दिन में, कहाँ से आती है तुम्हें ये इतनी बातें। चलो बेबा ये जरा गेम आप बंद करो ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे इग्नोर नहीं करो यार। चलो अब आप भी कोई मुझे पोइम सुनाओ, सबने सुनाइए, ऊपर बब्बा करो, बाल आपके बड़े प्यारे लग रहे हैं। कोई सी भी अपनी पसंद की आदि सुना दो, या तुम भी कोई शेर सुना दो, पहेली पूछ लो कुछ ऐसा कर दो, पहेली क्या जरूरी नहीं पोइम। टहनी पे किसी सजन की तना, बुलबुल था कोई उदास बैठा था, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचू किस तरह तक आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। माशाल्लाह एटीट्यूड ते वेखा कुड़ी दे, ओ गई है पोइम सुना के ये ले, वाह जी वाह आजकल की औलादें। माय एटीट्यूड इज माय अप्रोच, मैं सेब मारने तेरे मुंह ते अप्रोच, ये विशाल अंदर ही नहीं आ रहा, ये देखो गाइस हाथ पे हाथ धोए जा रहे, पता नहीं क्या कर रहे, क्या हाथ पे मल गया, अभी अंदर आता तो आपको मिलवाते हैं। विशाल आज गैस नहीं थी तो विशाल ने फोन किया था, तो मैंने कहा था रोटी ले आना, क्योंकि सुबह नाश्ता भी हम लोगों ने वो हल्की हल्की आंच पे बनाया था, तो वो सारा ने ऐसे कड़क कड़क रोटियां हो रही थी, तो अभी विशाल लाया है ये नान। ये नान वाले बहुत मजे के नान होते हैं, देखो कितने प्यारे हैं, और साथ में है ये पकौड़े, चटनी का है, और ज्यादातर हम लोग दोपहर को ना इस तरह का भी कुछ खाते हैं, बहुत मजा आता है खाने का। तो विशाल अभी खाना खाने लगा है, थोड़ा बिजी हो जाएगा, फिर मैंने विशाल के लिए काम रखा हुआ है ढूंढ के, मैं भी साथ कराऊंगी, डर मत जाना। हाँ तो फिर अभी हम दोनों एक काम करेंगे और आपको भी दिखाएंगे हम क्या करने वाले हैं। तो गाइस शाम हो गई और मैंने विशाल के साथ जो प्रैंक किया था कि तुम जल्दी से अभी चेंज कर लो, मैंने तुमसे कोई काम करवाना है, तो वो कोई काम वाम नहीं था, बस प्रैंक किया था उसके साथ, काम है एक, लेकिन अभी अपने दोस्त से किसी से मिलने चला गया, और क्या है कि मैं भी सालन वालन मुझे बनाना था, तो सालन रखा है कि मैंने चने बना रही हूँ, और साथ में ये आप देख सकते हो मेरे इतने पिंपल्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी हो रहे थे, यहाँ प्योर है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसके लिए मैंने एलोवेरा जेल सुबह से मंगा के आयरन से रखी हुई थी कि मुझे दो, ये मैंने लगाना है अपने फेस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि टॉवल तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और ये फिर क्यों हो रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही है, वैसे तो मैं मुँह पर कोई हाथ लगाती भी नहीं हूँ गंदा, और सालन भी इतना बनाती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ तो मैं हाथ तो ऐसे साइको की तरह धोती रहती हूँ, इतनी मैं कॉन्शियस हूँ मामलों में कि हाथ बहुत ज़्यादा मैं साफ करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहे हैं, शायद कुछ हॉर्मोन्स चेंजिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ये एलोवेरा ताज़ा मंगवाया था, जेल थी मेरे पास पड़ी लेकिन उसको मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने कहा ये सर्फ लगाती हूँ, वैसे भी ये स्किन नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे आपके बाल भी नए नए आते हैं, तो ऐसे सर्फ लगा सा आप भी लगा लिया करो, उनको ज़्यादा जैसे टीनेज में ज़्यादा लड़कियों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और शुरू शुरू में जो उसका येलो वाला पानी निकलता है ना वो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना ना अपने बालों में ना अपने स्किन पे, क्योंकि वो उसका स्टार्टिंग का कुछ पॉइजन टाइप का होता है, वो उसके उतना कोई बेनिफिट नहीं होता,
इससे ये हो सकता है कि आपके फेस पे मेबी लैशेज हो जाए, या आपके बालों पे आप लगाए तो वहाँ से आपके बाल ही गायब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आई भी बंद करके मैं लगा देती हूँ, तो उसको भी थोड़ा सूखने देते हैं। और आपको सालन की भी हालत दिखाते हैं और गैस भी दिखाते हैं, गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, हमारी सुबह से ही परेशान कर रही है, बहुत कम कम आ रही है, लिप्स पे भी ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, काफ़ी लग गया है। तो थोड़ी देर बाद आपको आपको चल के सालन दिखाते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो उबाला आ चुका है और पानी अभी भी सूखने में काफ़ी टाइम है, क्योंकि आँच आप देख सकते हो कितनी हल्की सी गैस हमारी आ रही है। ऐसा ही कुछ दिनों से हमारे साथ हो रहा है, तो दुआ कीजिए यार ये गैस का हल तो मसला तो हल हो ज़रा। और अब ये पानी सूखेगा तो हम इसको भुनेंगे, भुनने के बाद फिर हम इसका फाइनल लुक आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में अपने याद रखते हैं, अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें और पूरा व्लॉग देखा करें। और जो न्यू सब्सक्राइबर है हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। खुदा हाफिज़।